नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, आप सभी ने नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के बारे में पढ़ा होगा. बेसिकली दीज आर डिसीजेज विच आर नॉट कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल कैंसर इज सच डिसीज, और यू नो ल्यूकेमिया इज सच डिसीज. सो ये डिसीजेज जो हैं बेसिकली ये 60% अकाउंट करती है हमारी कंट्री में सभी लोगों को जो होती हैं. किसी भी नेशन की ग्रोथ के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन एक फाउंडेशनल पिलर्स की तरह एक्ट करते हैं, और इंडिया की ग्रोथ के लिए भी ये दोनों पे फोकस करना हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है. इसी से रिलेटेड आज पहला न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हिंदू में आया हुआ है. ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे विच इज़ ऑन 8th of April, एंड इस आर्टिकल में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था क्या क्या चैलेंजेस इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम अभी फेस कर रहे हैं और सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं विच कैन हेल्प अस टू इम्प्रूव आर हेल्थ केयर फैसिलिटीज. अगर हम थोड़ी इस आर्टिकल के बैकग्राउंड की बात करें, सो वी नो दैट यू नो इन 2020 देर वॉज कोविड आउटब्रेक, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर वॉज ह्यूज सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड ऑल्सो द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इनक्रीज्ड. और उसी की वजह से बहुत सारे जो लोग यू नो हु हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी वो दोबारा पॉवर्टी की रेखा में चले गए, जो विच वॉज ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमैटिक. एंड वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट हेयर इज वी ऑल नो दैट यू नो इंडिया इज़ इन अ फेस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड राइट नाउ, एंड अगर हमें उस डेमोग्राफी को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दी हेल्थ केयर, बिकॉज इफ सिटीजन्स आर हेल्दी दे कैन डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट इन द इकॉनमी, एंड ऑल्सो इफ देयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज बेटर दे कैन हेल्प टू इम्प्रूव द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट. As I mentioned, COVID-19 increased the socio-economic disparities between rich and poor, and the primary reason was the lockdown which were imposed during that time. Because of that, we know that a lot of people around the world lost their livelihoods. और उसी की वजह से बहुत सारे लोगों को you know बिना इनकम के बहुत समय तक रहना पड़ा, और जिसकी वजह से there was huge reduction in the incomes. और जो रिच और पुअर का गैप था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा. सो इस आर्टिकल में सबसे पहले राइटर हाईलाइट करते हैं द चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय पीपल ग्लोबली एंड ऑल्सो इन इंडिया. हम इंडिया के कंटेक्स्ट को स्पेसिफिकली अच्छे से देखेंगे. ग्लोबल अगर चैलेंजेस की बात करें जो कि आर्टिकल्स में बताया गया और हम सभी को पता है यू नो कोविड 19 की वजह से देर हैज़ बीन ह्यूज और सेवियर इम्पैक्ट ऑन दी डेवलपिंग कंट्रीज. और उसके अलावा अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की वजह से भी यू नो देर हैज़ बीन ह्यूज इम्पैक्ट. अभी रिसेंटली क्लाइमेट चेंज एंड ऑल्सो दी कॉन्फ्लिक्ट विच आर गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हम सभी को पता है यू नो देर हैज़ बीन शॉर्टेज ऑफ दी वीट एक्सपोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, एंड इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर पड़ा था डेवलपिंग कंट्रीज में. ये वॉर तो स्टार्ट हुआ था यूरोप में बट इसका इम्पैक्ट ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में पड़ा, फॉर एग्जाम्पल सम अफ्रीकन कंट्रीज एंड सम साउथ एशियन कंट्रीज विच आर पुअर बिकॉज दे आर हैवीली डिपेंडेंट फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ दैट आइटम. और वॉर की वजह से बिकॉज रशिया एंड यूक्रेन वर वन ऑफ द हाइएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, सो वो जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया. That led to concern among the developing countries. And recently, all the Israel-Palestine issue which is happening, which definitely, you know, has led to people in Palestine in very severe conditions. Bahut saare logon ki usme jaan gayi hai. Almost 33,000 people have died, and among whom mostly are women and children. Now, I think we should talk about specifically the challenges in India. And for a civil service aspirant, it's very important to know about the status of healthcare sector in our country and how we can solve the challenges which are associated with it. So the first challenges which a writer points out is, you know, definitely there is a problem in healthcare facilities, but there are other socio-economic indicators as well. You know,
because of which there has been differences in the availability and accessibility of the healthcare facilities. For example, caste and gender is one thing which kind of impacts citizens in a negative way. जो लो कास्ट के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एस सीज एंड एस टीज, दे आर मोर वल्नरेबल. द ऑथर हाईलाइट्स दैट यू नो एज पर एन एफ एच एस डेटा, ऑलमोस्ट यू नो एस सी एस सी सिटीजन्स दे आर 59% मोर वल्नरेबल टू द चाइल्ड मोर्टैलिटी. इसका मतलब है अगर हम कंपेयर करें अदर पीपल एंड एस सीज एंड एस टीज, उनमें चाइल्ड मोर्टैलिटी के रेट 59% ज़्यादा है, विच शोज दैट दे आर मोर वल्नरेबल टू द डिसीजेज एंड also they are lacking in availing the facilities which are there. Gender is also a factor. It is no doubt we have improved a lot on the socioeconomic indicators such as caste and gender since independence, but still the situation is not very good. I have to say this because almost 59% of the women are anemic in India, which you know, इसका मतलब है कि हर दूसरी महिला ऑलमोस्ट दे आर फेसिंग यू नो लो ब्लड इन द बॉडी, एंड डेफिनेटली अगर ये रहेगा तो दोज वुमेन आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी इन अ बेटर मैनर, एंड दैट इज गोइंग टू कॉस्ट हार्म टू आर सोसाइटी, आर कंट्री एंड द फैमिली एज वेल. एक और पॉइंट के बारे में हाईलाइट किया गया है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. आप सभी ने नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के बारे में पढ़ा होगा. बेसिकली दीज आर द डिसीजेज विच आर नॉट कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल कैंसर इज सच डिसीज, और यू नो ल्यूकेमिया इज सच डिसीज. सो ये डिसीजेज जो हैं बेसिकली ये 60% अकाउंट करती है हमारी कंट्री में सभी लोगों को जो होती हैं. एंड if you want to reduce this thing, if you want to tackle this non-communicable disease, India has to spend almost $6 trillion by 2030, which is a huge amount, and policy makers has to find out ways to you know gather resources and to make policies to implement these things. The next thing which is problematic in India is really important because in India, you know, healthcare is virtually private. आप सभी को पता होगा कि हमारी कंट्री में जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है इज़ नॉट वेरी गुड. अगर आप विजिट करोगे दिल्ली में तो सिचुएशन हैज़ यू नो इज मच बेटर, बट इफ़ यू विजिट सम पब्लिक हॉस्पिटल्स इन स्टेट्स लाइक बिहार और उत्तर प्रदेश, यू विल सी द सिचुएशन, वट काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर. आई हैव पर्सनली विजिटेड देयर एंड आई हैव सीन दैट देयर इज ह्यूज शॉर्टेज ऑफ बेड्स, देयर ह्यूज शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, पीपल लाइंग ऑन फ्लोर्स एंड आर नॉट एबल टू यू नो हैव अ मीटिंग विद अ डॉक्टर. सो दिस ऑल्सो कंसर्निंग. इसी की वजह से एक प्रॉब्लम इंडिया में और है, विच इज़ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. यू नो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सम रिलेटिव्स, और मेरी फैमिली में भी ऐसे कुछ लोग थे जिनके फैमिली में एक बड़ा डिसीज़ आया, फॉर एग्जांपल कैंसर और यू नो एन एक्सीडेंट, एंड दे हैव टू टेक लोन्स फॉर इट. उनको लोन लेना पड़ा अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, बिकॉज प्राइवेट हेल्थ केयर इज़ बेटर और पब्लिक में इतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता, और प्राइवेट में दे चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. जब 10, 15, 20 लाख रुपए खर्च होगा तो कोई इंसान जो 20 या 30,000 रुपए कमाता है, हाउ ही कैन अरेंज दैट मनी? सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट कंसर्निंग थिंग विच पॉलिसी मेकर्स हैज टू फाइंड आउट. एंड बिकॉज इन इंडिया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द हाइएस्ट अमंग अदर कंट्रीज, अमंग अदर डेवलपिंग कंट्रीज. सो इस पर भी काम करने की जरूरत है. वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर पब्लिक हेल्थ सेक्टर. And also the shortage of doctors is another important thing. As I mentioned, kiya gaya ki India mein 0.8 doctor hain per 1,000 population, which is certainly not enough, and which is below the mark of the World Health Organization recommended levels. So we have to train more doctors. The last point. वी हैव टू सर्टनली फोकस इन रूरल एरियाज. आप सभी को बताओ कि जो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं दे आर फ्रॉम दी अर्बन सेंटर्स. अगर हम रूरल सेंटर्स में देखें तो इट्स मच लेस. सो एंड यू नो इन अर्बन सेंटर वी हैव अराउंड 35% ऑफ द पॉपुलेशन. द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग इन दी रूरल एरियाज. सो हमें वहाँ पर ज़्यादा काम करने की जरूरत है. वी हैव टू मेक हेल्थ केयर मोर एक्सेसिबल एंड मोर अफोर्डेबल फॉर दोज पीपल्स, एंड वी हैव टू ट्रेन पीपल टू यू नो गो इन टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज. Alright, let's move forward. Having seen the challenges in India, the author also highlight what things can be done. And in that, he's arguing for a concept called health equity. Now, what is health equity? You know, equity is something that, you know, everyone
has a share in something and they should get it, right? So health equity talks about that everyone should achieve or realize the best possible situation of his health, no matter what his or her circumstances are, no matter what kind of socioeconomic circumstances the person is living in, but he or she should get the best or you know, a kind of bahut acche level ka healthcare unhe milna chahiye so that they can achieve the highest health status. Agar hum India mein baat kare health equity ki, as I mentioned, you know, there has been disparities on the basis of caste, gender, religion is another marker. We have seen minorities is even more vulnerable to these things. They are not able to properly access or afford the quality healthcare. So India mein healthcare, if you talk about the health equity, it is much worse and we have to work on it. Now, what can be the solution? You can just pause the video and you can think about what things can be done. Agar aap challenges mein se dekhoge, so you can come up with some points which could have been done. But I have to say this, that this is really a complex issue. You know, certainly government faces shortage of resources when it comes to dealing with healthcare. Hum sabhi ko pata hai ki, you know, a majority of our budget, the national budget, goes to the paying interest rate, almost 20% of it. Then we have an obligation for the defense sector as well. Hume defense pe bhi bahut zyada paisa kharch karna padta hai. और जब बात आती है हेल्थ और एजुकेशन, विच आर रियली इंपॉर्टेंट, विच इज यू नो नीड ऑफ द आवर, बिकॉज वी आर इन अ पॉजिटिव डेमोग्राफिक फेस. हमें अपने सिटीजन्स को एजुकेट करना है, उन्हें बेटर हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, सो दैट दे कैन एक्सेल इन देयर लाइफ एंड दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन अ पॉजिटिव वे टू द कंट्री. सो रिसोर्सेज का एक प्रॉब्लम डेफिनेटली है, बट देर आर सर्टेन अदर ऑल्टरनेटिव्स विच कैन बी डन. उसमें सिर्फ पैसा नहीं लगेगा, इसमें देर आर सर्टेन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स विच गवर्नमेंट कैन फॉलो, विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो यू नो, एज आई मैंशन, यू नो, जस्ट बाई इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर फैसिलिटीज इज नॉट इनफ. We have to develop a comprehensive approach, जो कि सिर्फ healthcare facilities पे काम नहीं करने वाला, but it is also going to work on the socio-economic indicators which we have mentioned. अगर gender में कुछ problem है, so we have to specifically target the women's in India. We have to develop policies जो कि women's को target करें. If women are facing, you know, a problem of anemia, उनको हम, you know, already government is doing this thing. We have to make it more robust. You know, if we are providing iron tablets to women, that is going to definitely improve the situation. If there is a problem in caste, if the lower caste people are facing more challenges, we have to work on it. We have to provide them, you know, economic opportunities. We have to provide them better healthcare facilities so that they can use those healthcare facilities and definitely improve the situation. One very important thing is, sometimes, you know, a bad healthcare is not only because of economic situation, but also it's about choices. The choices which we make, as I'm, इसीलिए एक बहुत interesting बात इंडिया में कही जाती है कि we are seeing a kind of ironical thing. What happens is there are a lot of people who are facing hunger, जिनके लिए खाने के लिए नहीं है, but there are also some people who are facing obesity, जो इतना मतलब basically bad habits की वजह से obese हो जा रहे हैं, and that is also a thing which deteriorates the health of the person. इसलिए raising health literacy is very important thing. Government has to engage with organization, NGO, so that they can you know, improve the health literacy of the people. People should be aware about eating right things. You know, आप आज कल समय में देखेंगे कि यू नो वी आर मोर प्रेफरिंग यू नो वेस्टर्न फूड्स और चाइनीज फूड्स, मोमोज, चाउमिन, ये सब ज़्यादा खाते हैं, एंड दिस इज़ नॉट सर्टेनली गुड फॉर आर हेल्थ. अगर हमें लोगों को एजुकेट किया जाए कि दे शुड ईट प्रॉपरली, दे शुड ईट राइट थिंग्स सच एज वेजिटेबल्स और मीट, और सच एज इफ दे आर वेजिटेरियन दे शुड ईट इन्वेस्ट मोर इन फ्रूट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. अगर हम चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली हेल्थ इंडिकेटर्स में भी डिफरेंस पैदा होगा. एंड डेफिनेटली प्रिवेंटिव केयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग.
ऐसा बोला जाता है कि इंडिया शुड फोकस ऑन दी प्राइमरी सेक्टर. हम ऐसा क्यों ना करें कि लोगों को पहले ही यू नो वी मेक हेल्दी सो दैट जो प्रॉब्लम बाद में एक्सेंचुएट होकर बड़ी हो जाती है एट दी सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल, वहाँ तक पहुँचने ही ना देती. राइट, अगर हम बच्चों को पहले से ही प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे सो बाद में उनको एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा. And that's why we talk about integrated approach for, in this. As I mentioned in some of my previous videos, अगर हम एक integrated approach use करें, for example, हम सभी को पता है कि जब midday meal program को launch किया गया, how much positive impact it created on the attendance of the of the students. उससे educational outcomes से बहुत ज़्यादा improve हो गए. अभी के समय पर बात किया जा रहा है कि you know ऐसा क्यों ना किया जाए हर एक district में, because we also want to improve our agriculture. Farmers को incentivize किया जाए कि they should grow a more nutritious crop by the government, such as millets, which is you know is a game changer if we want to really diversify the agriculture. So अगर millets को उगाया जाएगा because वो कम पानी यूज़ करती है, कम nutrients यूज़ करती हैं और ऐसी जगह में उग जाती है जहाँ पर बारिश भी कम होती है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान. सो मिलेट एक तो न्यूट्रिशियस है और अगर हम उसे बच्चों को देंगे इन मिड डे मील्स प्रोग्राम सो वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है वीट से या राइस से. राइट, सो दिस काइंड ऑफ अप्रोच अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें, सॉल्विंग एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम विद द एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ दिस और न्यूट्रिशियस प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स, तो इससे दो चीज़ें होती हैं. एक तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी क्योंकि मिलेट्स ज़्यादा पैसा उनको कमा के देंगी, एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स का जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम वो भी सॉल्व होता है. एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज टॉक अबाउट द होलिस्टिक अप्रोच. एंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज यू हैव टू फोकस ऑन दिस. आपको इस तरीके के सॉल्यूशन सोचने हैं अपने आंसर्स में भी. एंड ऑल्सो बींग एन एडमिनिस्ट्रेटिव आप लाइफ में कुछ बन जाते हैं इफ यू बिकम एन IAS officer. So you have to think about in this manner. One very important thing is the grassroots cooperation. We know that, you know, we always mention about it that the role of local level governance is really important because one sitting at, you know, a certain place cannot solve the problem of the entire country. So local level pe jo organizations work karte hain, for example, jo NGOs hote hain ya phir jo Anganwadi workers hain ya Asha workers hain, unko zyada educate kiya jaye, zyada train kiya jaye, so that they can solve their प्रॉब्लम इन द एट द ग्रासरूट लेवल. अगर ऐसा होने लगेगा तो बेसिकली गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज कर देंगे इसके ऑपरेशंस को, एंड विच इज़ गोइंग टू यू नो रियली क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्री. आई होप आपको हेल्थ केयर से रिलेटेड ये टॉपिक समझ में आया होगा. वी हैव टॉक्ड अबाउट सर्टेन चैलेंजेस विच आर देयर इन इंडिया एंड ऑल्सो सम सॉल्यूशंस विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. Now let's move forward to another interesting article which has appeared in the Hindu. So we all know that we are living in a capitalistic materialistic world where we see, you know, social media and all those things promoting a kind of luxurious lifestyle. हमें दिखाता है कि किसी के पास गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए. एंड ये सब चीज़ें, ऑल दिस थिंग इज़ गुड, यू नो इट लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनमी, बट देयर इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इट. नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जो लोग पीछे रह जाते हैं, व्हाट अबाउट दोज पीपल, उनके माइंड पर जो एक मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है वो उसके बारे में यू नो नो वन टॉक्स अबाउट एंड no one shows how a worse impact it creates on the mind of people. So this is a related article which is talking about the subject of youth suicide in India and how it is increasing in the last decades. So we know that and this article also points out that you know India mein suicide ka rate world mein is one of the highest, sabse zyada hota hai India mein, aur abhi ke samay pe ye aur bhi zyada badh gaya hai. Right, and also this article highlights the hidden things which are there, which are responsible for increasing suicide rates in India, such as you know familial pressures or socio-economic norms which are there or patriarchal behaviors in society. Iski wajah se especially females ki suicide rate mein hum dekhte hain ki there is a rise. So this article is pointing out about a data. In 2022, 1.7 lakh people died through suicide and isme 40% were यंग पीपल, जो 30 साल से कम की उम्र के लोग थे, 40% लोग थे. सो आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट 50,000 पीपल हु वर यंग दे डाइड बिकॉज ऑफ सुसाइड, विच इज़ क्वाइट कंसर्निंग थिंग. एंड ऑल्सो यू नो अमंग वुमेन इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टैलिटी.
वेमेंस में मरने का ही सबसे बड़ा कारण ये है कि सुसाइड से उनकी मौत हो जाती है. सो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में देर इज़ अ डिस्ट्रेस, देर इज़ इट इंडिकेट्स दैट देर इज पीपल आर फेसिंग अ साइकोलॉजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ विच इट इज़ लीडिंग देम टू सुसाइड, राइट. एंड हम देखेंगे इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं एंड ऑल्सो वट थिंग्स कैन बी डन इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट. बहुत इंटरेस्टिंग डेटा के बारे में इस आर्टिकल में बात किया गया कि हर 8 मिनट में एक यंग इंडियन सुसाइड कर लेता है, राइट. हम आई हैव ऑल्सो केम अक्रॉस मेनी पीपल अराउंड मी व्हेन देयर वाज COVID-19 और सम ऑफ माय फ्रेंड्स कमिटेड, यू नो, जब ये ऐसा कुछ होता है हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है बेसिकली, बट हम नहीं सोचते कि वट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल और मेंटल कंडीशन पीपल आर फेसिंग राइट नाउ. So the author talks about some biological, psychological, familial and socio-cultural factors which are there. Definitely biological factors, if a person is not happy with his health or you know if there is kind of an accident or something like that, ये लोगों को push करता है for suicide. Psychological factors भी बहुत ज़्यादा हैं आजकल के समय पे. You know, we are using social media and all those things. हम लोगों को देखते हैं, they are posting about their lavish lifestyle and all those things. उसकी वजह से कहीं ना कहीं negatively impact करता है और there is a kind of inferiority complex which is initiated or kind of FOMO, fear of missing out, कि हम कहीं ना कहीं इस materialistic world में miss out कर रहे हैं और इसकी वजह से कई लोग suicide कर लेते हैं. Author also highlights the familial factors as well, such as बहुत सारी जगह पर आप देखोगे कि जहाँ पे you know there are very strong patriarchal norms, females को compel किया जाता है कि they have to marry as per their family and sometimes they have to marry very early. वहाँ पे females को कुछ societies में अभी भी हमारे country में which is a very sad thing, एक बोझ की तरह समझा जाता है, जिसकी वजह से उनको ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी जल्दी इनकी शादी हो जाए और एक तरीके का बर्डन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यू नो दे आर नॉट एबल टू परस्यू देयर एजुकेशन. बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं. अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी बहुत अच्छी, लापता लेडीज़, जो कि इसी टॉपिक को कवर कर रही थी. इसमें आपको टाइम मिले जरूर देखिएगा ऐसी मूवीज़ जो कि बहुत अच्छी होती हैं. It was talking about how the early marriage or forced marriage among women, जो कि कुछ करना चाहती हैं, उसमें एक 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 औरत पढ़ना चाहती थी एग्रीकल्चर साइंस, बट उसकी फैमिली बिकॉज उसकी उम्र वैसे बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट फिर भी उनको ये था कि यू नो बाद में शादी हो ना हो, इसलिए उनकी शादी बहुत जल्दी करा देते. और कहीं ना कहीं कैसे वो सिचुएशन से वो लेडी बाहर आती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको देखना चाहिए इस तरीके की मूवीज. ऑलराइट, सो इस आर्टिकल में एक सर्वे हाईलाइट किया गया है कि अगर हम यूथ में देखें, सो व्हाट आर द लीडिंग फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सुसाइड्स के लिए. सो देर आर सर्टेन मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, ये फर्स्ट नंबर पर ऑलमोस्ट 54% जो डेथ्स हो रही हैं थ्रू सुसाइड, ये इसकी वजह से मेंटल हेल्थ कंसर्न की वजह से. सो यू नो हमें लगता है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस या फिर किसी के पास पैसा नहीं है उसकी वजह से भी लोग सुसाइड करें, पर ऐसा नहीं है. कुछ ऐसी फैमिलीज में यू नो दे आर सफिशिएंट, उनके पास पैसा है बट स्टिल दे आर यू नो कमिटिंग सुसाइड. इसी में एक डेटा पॉइंट आउट किया गया कि मेनी ऑफ द पीपल हु आर यू नो हु गट द एडमिशन इन प्रेस्टिजियस कॉलेजेस इन इंडिया, इवन आफ्टर दैट दे आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल प्रेशर. That is also a concerning thing. इसलिए जो suicidal tendency है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि we are lacking certain resources, but it's also a condition of mind. आप देखोगे कि कोई बहुत गरीब आदमी बहुत ज़्यादा खुश रह सकता है despite उसके पास कुछ भी नहीं है, पर कोई ऐसा आदमी जिसने for example अभी कैफे कॉफ़ी डे कुछ सालों पहले कैफे कॉफ़ी डे की जो ओनर थे उनके पास वो सब चीज़ था, बट या ही विटनेस अ सेटबैक इन हिज करियर और उन्होंने फिर जाके यू नो किसी लेक में जाके कूद गए और उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया. सो बेसिकली सो that's why mental factors are one of the leading things. Family issues, we have already talked about how they compel certain, especially women, to commit suicide. Academic stress is one of the, abhi is samay bahut zyada emerge kar raha hai. Abhi humne kuch din pehle hi kisi video mein baat kiya tha ki कोटा में कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल सुसाइड कर रहे हैं. 2023 में ही ऑलमोस्ट 22 से या 25 लोगों ने 25 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, विच शोज़ कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी एक तरीके की प्रॉब्लम है जिसके बारे में अभी बात करने वाले. सो एकेडमिक स्ट्रेस इज़ ऑल्सो अ फैक्टर.
सोशल एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स के हम बात कर चुके हैं कि दिस सोशल मीडिया कंसेप्ट और दिस यू नो मटीरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल जो हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं इंस्टाग्राम और इन सब की वजह से, सो उसकी वजह से भी डिस्ट्रेस लोगों के बीच में बढ़ते जा रहे हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो बच्चे डेली 2 घंटा इंस्टाग्राम या फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज ज़्यादा है। ऐसा सर्वे जब किया गया लोगों के बीच में तो ये पाया गया, शोज हाउ मच वल्नरेबल द सोशल मीडिया वेबसाइट्स मेक्स द स्टूडेंट्स और द चिल्ड्रंस यू नो फॉर कमिटिंग सुसाइड्स विच इज़ क्वाइट कंसर्निंग। ऑन वायलेंस एंड इकोनॉमिक डिस्टेंस ऑब्वियसली आर सम ऑफ द फैक्टर्स। Now let's move forward. Author ने जो young girls हैं उनमें suicide क्यों commit किया जाता है इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है कि certainly the patriarchal values which are there in our society जो compel करते हैं women को कभी कभी जल्दी शादी करने के लिए वो अपना education नहीं pursue कर पाती हैं और कभी कभी you know arranged marriages में भी आई थिंक मैरिज इज़ अ थिंग डेफिनेटली जो हमारे फैमिली वाले हैं उनको एक हक है हमें बताने का, बट इट शुड हैपन विद द पर्सन चॉइस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिक्टेट करने वाला चीज़ जैसे पहले के समय पर होता है कि आपको इनसे ही शादी करनी है। इसकी वजह से भी बहुत सारी फीमेल सुसाइड कर रही हैं एंड ऑल्सो नाउ आर सोसाइटी इज़ चेंजिंग, उनके अंदर ये व्यू है, ये पर्सपेक्टिव है दैट वी कैन चूज़ आर पार्टनर। और जब ऐसे उसमें जब डिक्टेट किया जाता है थ्रू फैमिली इट लीड्स टू वर्स्ट कंसिक्वेंसेज। Domestic violence is another factor which leads to suicide. Almost 32% of the women, you know, in India has noted that they have been a victim of a kind of domestic violence or sexual violence. So, which is also quite concerning. हर तीसरी महिला ने मतलब ये चीज experience किया है, जो कि एक problematic thing है definitely. And the last thing, economic dependence. हमें पता है कि you know though we have progressed a lot but still the female labor force participation rate is quite low और इसके बहुत सारे factors हैं। The neglect at the time of birth, उनको proper education नहीं दिया जाता especially in rural areas. Urban areas में हम देखते हैं कि things are changing but still it's not up to the mark. अभी भी हमें disparities देखने को मिलता है। So जब neglect होता है so they are not able to acquire the required skills for the modern industries और इसीलिए फिर उन्हें economically dependent पड़ता है। और हमारी कंट्री में यू नो एंड अराउंड द वर्ल्ड जो डोमेस्टिक अनपेड केयर वर्क है उसको हम इतना वैल्यू नहीं करते, तो इसी की वजह से उन्हें जो फीमेल्स दे आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन दी मेल्स। और हम समझते हैं कि जो इंसान पैसा कमा के ला रहा है ही इज़ अ पर्सन यू नो हु कैन डोमिनेट इन द हाउस, जिसकी घर में ज़्यादा चलती है अभी भी दिस थिंग इज़ देयर। सो इसकी वजह से भी काफ़ी बार फीमेल सुसाइड करती हैं बिकॉज दे आर नॉट इकोनॉमिकली फ्री, दे डोंट हैव फाइनेंशियल फ्रीडम एंड दैट लीड्स टू बैड कंसिक्वेंसेस। Author have also pointed out, as we have mentioned, that you know failure in exam is one of the emerging factors. We have seen the society in movie Three Idiots, jab Joy Lobo Three Idiots mein jab unka you know unko fail kar diya jata hai and that really talented guy commits a suicide. So you know ye education system mein to bahut major problem hai jisko hame theek karne ki zarurat hai. सिर्फ किसी को एग्ज़ाम्स के बेसिस पे नहीं जज करना चाहिए, देर आर अदर क्वालिटीज़ इन अ पर्सन राइट। और अगर इतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हम बना देंगे जिसमें यू नो एग्ज़ाम की वजह से अगर कोई एक एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और उसको यू नो ही विल गेट अ जॉब और ही विल अचीव सक्सेस इन हिज और हर लाइफ, सो जो लोग रह जाते हैं बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी यू नो डिस्ट्रेस क्रिएट होता है। तो हमें इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। We have to recognize every person has a different quality और उसमें क्यों ना उनको हम incentivize करें। Why not to create a society जहाँ पे सिर्फ ऐसा ना हो कि ऐसी बातें ना हो कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता है स्पोर्ट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट सोसाइटी में एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जहाँ पे हम incentivize कर सकें लोगों की क्वालिटीज़। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में पर सारे नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं स्पोर्ट्स में, कुछ लोग अच्छे होते हैं म्यूजिक में, आर्ट में, एंड सिमिलरली सम पीपल आर यू नो आर वेरी गुड इन थिंकिंग इंटेलेक्चुअल थिंग्स, दे कैन हेल्प टू डू रिसर्च। सो सोसाइटी में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए कि जो लोग जिस चीज़ में अच्छे हैं
उसी चीज़ में वो कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी में कुछ कुछ लिमिटेड इंडिकेटर्स नहीं होने चाहिए सक्सेस से। अगर कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है या फिर आईएएस ऑफिसर बन जाता है, वही सक्सेसफुल हैं और बाकी जो और लोग हैं दे आर नॉट सक्सेसफुल एज एट पार विद देम। So this thing should also be changed. We have already talked about this, that even after getting admission in prestigious colleges, people commit suicide, which is quite concerning. सोशल मीडिया के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि सोशल मीडिया का क्या रोल है, जो डेटा के बारे में आपको मैंने बताया था। सो दिस ऑल्सो समथिंग विच नीड्स टू बी चेंज। एंड हेयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज समटाइम्स दिस सुसाइड्स आर अ काइंड ऑफ अ सेंसेशनल टॉपिक फॉर द मीडिया। इसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि यू नो अ थिंग विच कैन जनरेट टीआरपी टू देम, पर ये नहीं सोचते कि इट हैज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द सिटीजंस। अगर बच्चे इसको देख रहे हैं एंड आप इतना रोमांटिसाइज करोगे सुसाइड को, डेफिनेटली दिस सुसाइड इज नॉट अ गुड थिंग। बट बच्चों को तो यही लगेगा ना कि इफ दे आर फेसिंग डिस्ट्रेस, इवन अ स्मॉलर वन, अगर ऐसा है कि वो अपना होमवर्क ही पूरा नहीं कर पाए या फिर वो एग्जाम में फेल होने वाले, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर पास भी हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि लाइफ वहीं तक ही एंड हो जाती है। बट इस तरीके से दिखाना था, उन्हें लगेगा कि सोसाइटी इज अ थिंग थ्रू विच दे कैन एंड ऑल दिस डिस्ट्रेस। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ बैड थिंग। हमें पता है कि एक फेमस बॉलीवुड एक्टर की जब सुसाइड के थ्रू डेथ हुई थी, उसको कितना ज़्यादा हमारे मीडिया चैनल्स ने पूरे टेलीविजन में दिखाया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑथर इस चीज़ को भी हाईलाइट करते हैं। नाउ this is one of the most important part of this article which has appeared in the Hindu, and the author is talking about the solution, what things can be done. So sabse pehle jo zaruri cheez hai jo ki hamari society mein hota nahi, sirf academic cheezon pe baat kiya jata hai, academic things, but they no one talks about the soft skills such as emotional intelligence, such as imparting a value such as impulse management। ये जो सुसाइड के केसेस हैं बेसिकली ज़्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि एक इम्पल्स आता है अंदर से, कि इतना बड़ा डिस्ट्रेस आता है और अगर उस चीज़ को उस समय के लिए रोक लिया जाए तो शायद वो चीज़ टल जाएगी। बट प्रॉब्लम ये होता है कि ये सब स्किल्स लोगों को सिखाया नहीं जाता। हम सभी को पता है इमोशनल इंटेलिजेंस तो हमारे एथिक्स के पेपर में भी है, और यू नो आई वांट टू से दिस कि एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी को सिखाया नहीं जा सकता। मैं आपको भी बता दूँ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इट्स सिंपली द मैनेजमेंट ऑफ आर इमोशंस। बट ये ऐसे नहीं सीखते, इट कम्स विद प्रैक्टिस, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। कैसे व्हेन वी आर फेसिंग इमोशंस, यू नो सर्टेन नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसा गीता में भी बोला गया है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए या तो पॉजिटिव इमोशन से और नेगेटिव इमोशन से भी। सो जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमोशन, हम बहुत खुश हो जाते हैं, वी इन्जॉय, वी पार्टी, और डोपामाइन एकदम हाई होता है। पर जब नेगेटिव इमोशन आता है, वी गो सो मच डाउन। अगर हम उस चीज़ को कंट्रोल करना सीख जाए तो कहीं ना कहीं हमें जो ये आजकल के समय में चैलेंजेस की वजह से सुसाइड हो रहा है, ये भी सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। बिकॉज यू नो आई हैव लर्न फ्रॉम माई लाइफ दैट दिस प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस और ये फिर सक्सेसेस, ये बहुत छोटे समय के लिए होता है। आप अपनी लाइफ से ही देख सकते हैं, अगर आपने कभी कुछ चीज़ अचीव किया हो, उसके बाद हम हमेशा दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं और फिर दोबारा कुछ ऐसा चीज़ होता है कि यू नो वी हैव टू डू समथिंग इन आर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छा स्कोर किया, आई गॉट एन एडमिशन इन गुड कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद तो फिर दोबारा मेरे को यू नो परफॉर्म करना पड़ा, और समटाइम्स मैं उसमें फेल भी हुआ, ठीक है, और मेरे को कई बार डिस्ट्रेस भी होता है। ऐसा नहीं था कि हम एक बार सक्सेस पा लिया तो हमें वो खत्म हो जाता है, और सेम थिंग इन द नेगेटिव थिंग्स। अगर हम एक बार कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, फिर हम कोई कहीं फेलियर देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि वो एक एंड ऑफ द वर्ल्ड है। उसके बाद भी देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर, और हम उन पर टैप कर सकते हैं। सो दीज आर जस्ट इम्पल्सिस, अगर हम उसको उस समय तक रोक लें और हमें ये माइंड सेट बन जाए कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ पूरा चीज़ों से डिसाइड होगी, डेफिनेटली जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं हम उसको रोक सकते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑथर ने हाईलाइट किया है। आई ट्रूली बिलीव इफ अ पर्सन इज हेल्दी, यू नो दैट मीन्स हेल्दी का मतलब ये नहीं बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है, बट इफ ही इज ईटिंग प्रॉपर फूड, इफ ही इज रेगुलरली एक्सरसाइज इज नॉट समथिंग लाइक यू आर डूइंग अ हैवी और इंटेंस वर्कआउट इन जिम, बट इफ यू आर यू नो वॉकिंग 5 kilometers डेली और यू आर साइकिलिंग और समथिंग लाइक दैट, अगर वो सब आप कर पाते हो, डेली मेडिटेशन करते हो, योगा कर लेते हो, अगर आप आधे घंटे के लिए भी आप निकाल लेते हो अपनी हेल्थ के लिए, दैट ऑल्सो क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन दिस। और कहीं ना कहीं एक हेल्दी इंसान ये सुसाइडल टेंडेंसी और इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि
a person who is healthy, he have hundreds of wishes. But a person who is sick, उसके पास एक ही wish होती है कि वो healthy हो जाए, और उसके उसी से related बहुत सारे mental distress and all those things are there. Okay? So I think you can see there are a lot of good things which are coming in the newspaper. और newspaper को सिर्फ एक exam के perspective से पढ़ना कि हमें कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जो prelims में एक point आ जाएगा, I think newspaper can help you for a higher purpose. It can help you to improve your lifestyle. It can make you a better person. राइट right? अगर इस तरीके से आप न्यूज़पेपर को पढ़ोगे डेफिनेटली आपको सिर्फ एग्ज़ाम तो चलो एक छोटा गोल है पर एक बड़ा गोल अचीव करने को मिलेगा. यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन थ्रू इट. राइट डेफिनेटली जो हमने चीज़ों के बारे में बात की डोमेस्टिक वायलेंस इन चीज़ इन सभी चीज़ों के बारे में ऊपर काम करने लगे. पेट्रियार्की इज़ वन थिंग जो हमारी सोसाइटी में अभी भी मेल डोमिनेंस है हर चीज़ों में इन द फैमिली इन कम्युनिटीज़ उस चीज़ को भी सॉल्व करनी जरूरत है. दैट कैन हैपन थ्रू अ बिहेवियरल चेंज थ्रू एजुकेशन. अगर एजुकेशन के थ्रू हमारे जो बच्चे आजकल के समय पर स्पेशली मेल्स उनको पढ़ाया जाए दिस थिंग्स आर नॉट गुड. वीमेन आर टोटली इक्वल. You know when we can provide them the required skills and opportunities. So आप देखोगे कि आजकल के समय में तो IAS में भी जो ज़्यादातर टॉपर्स हैं those are women. Top 3 भी शायद 2021 में they were women. So अगर इन सब चीज़ों से पता चलता है अगर women को भी proper skills दिया जाए definitely they can come at par with the males. So patriarchal norms को भी change करने की बहुत ज़रूरत है. And lastly, financial support to the people who are in economic distress. अगर हम government किसी तरीके से it can ensure ज़्यादातर and specially we have mentioned all the socio-economic indicators जो gender specific लोग हैं या फिर और लोअर कास्ट पीपल उनकी उनमें ये इकोनॉमिक डिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलता है. अगर हम उनको प्रॉपरली फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करें फाइनेंशियल यू नो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें सो डेफिनेटली ये चीज़ें कम हो पाएगी. किसी के लिए भी जो जीना है वो प्रोसेस ही इतना मुश्किल हो जाएगा तो देन वो सोसाइटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं. ये चीज़ों के ऊपर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है. सो फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन. आई होप यू लाइक द डिस्कशन अबाउट द टू टॉपिक्स विच वॉज रिलेटेड टू द हेल्थ एंड सेकेंडली विच इज़ रिलेटेड टू द सोसाइटी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई कैन आंसर योर क्वेश्चन एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो शो योर व्यू. यू कैन ऑल्सो यू नो एक्सप्रेस योर व्यू इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी थिंग रिलेटेड टू इट. ऑलराइट थैंक यू.